इनकी डिटेल ले लेंगे। सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। फेस दिखाना बंदे का, सब कुछ सब कुछ यार। आप लोग प्लीज आप लोग जी। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक बड़ी दर्दनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज एक दो वीडियोस मेरी इस वीडियो के पहले जो फर्स्ट में जो एक दो वीडियोस चली हैं वो आपने तो देख ही ली होंगी, और इसका जो टाइटल है वो भी आपने देख लिया होगा। जिस तरह कि आपको बखूबी पता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सैर तफरी करना और होटलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। हर बंदे को शौक है, मुझे वो खुद को पर्सनली बहुत शौक है। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अक्सर, बल्कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते ही हैं, हम मुख्तलिफ होटल्स में जाते हैं और सैर तफरी भी करते हैं। पिछले साल मैंने नरान का सफ़र किया था, लेकिन वो जून जुलाई में किया था जब बर्फ़बारी नहीं होती। हमारे यहाँ पे कुछ दिन से एक हवा चलती है। मैं काफ़ी दिनों से एक सुन रहा था खबर के लोग जा रहे हैं मरी की तरफ जा रहे हैं बर्फ़बारी देखने, मरी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं। हर दूसरा बंदा कह रहा है मरी चलें, मरी चलें। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया, मैंने सोचा यार चलो मरी चलते हैं। लेकिन जब मैंने न्यूज़ चैनल्स पे सुना कि मरी तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, लाखों की तादाद में वहाँ पे जो सयाह हैं वो अपनी गाड़ियों अपनी फैमिलीज़ के साथ जनाब वहाँ पे पहुँचे, तो जब पता चला कि वहाँ पे लंबी ब्लॉकेज है, इस्लामाबाद तक ब्लॉकेज है, मरी रोड तक ब्लॉकेज है, तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार उधर जाना तो जो है वो किसी ख़तरे से कम नहीं है। तो आपको बड़ी बुरी खबर सुनाता हूँ कि मैं भी सुबह उठा हूँ तो मैं एक दो न्यूज़ चैनल्स पे मैंने देखा है कि तकरीबन कुछ 17 से 18 लोग जो है वो गाड़ियों के अंदर ही फंसे हुए थे, बेचारे वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। गाड़ियों के अंदर फैमिलीज़, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी उनके दिल में ख्वाहिशात लेके वो सैर तफरी के लिए निकले। तो खुदा रहा मैं आप सभी बाप को, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब जारी सी बात है एक हकूमत एक अदारा आपको इन्फॉर्म करता है या अलर्ट करता है कि आप उस इलाके की तरफ ना जो है वो मुँह करें, तो फिर भी आप उधर भागे चले जाते हैं। तो उस ये जो खबर चली है मरी के हवाले से बड़ी दर्दनाक और बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला जितने भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए, सब की कामिल मगफिरत फरमाए, और कोशिश किया करें कि अपनी फैमिलीज़ के साथ नज़दीक उन एरियाज़ में जाया करें कि जहाँ पे आना जाना जो है वो इजी हो जाए। तो वहाँ पे बर्फ़ में अब इतने लोग फंसे थे जो बेचारे, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सब दुआ करें अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफिरत फरमाए। जब इतने ज़्यादा जो है वो अजीब वेदर में यहाँ पे गुजरांवाला और लाहौर सियालकोट इधर बारिशों की वजह से इतना बुरा सिलसिला चल रहा है, यहीं पे इतनी ठंड लग रही है, तो मरी जाने की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पे जो लोग फंसे हैं, फिर आपने ये वीडियो भी देखी है कि वो बेचारे जिस तरह वो सर्दी में ठहर ठहर के जिस तरह उनका इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, कामिल मगफिरत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि दोस्तों तक ये मैसेज जाए। अस्सलामुअलैकुम।